चले दो साथियों, मैं डॉक्टर रितु सिंह, अभी मैं अरोमा के बाहर हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी टीम दिखा दे, और यहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी थे संदीप टंडन जी की उनकी गाड़ी खड़ी है। पिछले 1.5 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। इससे पहले हम लोग प्रेस क्लब में थे, जहाँ मनीष तिवारी जी ने ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया था, और मैं नेशनल पार्टी की कैंडिडेट ओपन डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट करके गई। उनसे 3 सवाल पूछे, उनके पास मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं थे। और ये आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, मनीष तिवारी संजय टंडन को चैलेंज कर रहे हैं, संजय टंडन मनीष तिवारी। यही दिखाना चाहते हैं कि जनता के पास विकल्प नहीं है, जनता के पास मात्र विकल्प कांग्रेस और भाजपा ही बची है। अभी मैं संजय टंडन जी का इंतजार नीचे कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी के प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके दखल नहीं देना चाहती कि उनका काम हो रहा है। बट मैं वेट कर रही हूँ कि ये आए मेरे सवालों के जवाब दें। मैं बस इनसे यही सवाल करना चाहती हूँ, संजय टंडन जी से, कि दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करो, खासकर चंडीगढ़ को। मैं चाहती हूँ कि आपने आने वाली 10 साल की रिपोर्ट कार्ड तो दे दी, बता दिया कि ये काम हम करेंगे, 10 मांगे गिना दी। आपने जो 10 साल आपकी सरकार सेंटर में भी थी और यहाँ पे भी थी, आपने क्या काम किया है? मैं वो जानना चाहती हूँ कि आपने पिछले काम क्या किया चंडीगढ़ की जनता के लिए, चंडीगढ़ की जनता की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करी है, जिन कॉलोनियों जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ आपने वहाँ पे क्या काम किया है, जो आज भी आप कौन सा मुंह लेकर, कौन सा चेहरा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे 10 डिमांड आप बोल रहे हैं कि हमें फिर से वोट दो। ये डॉक्टर ही तो इसलिए बता रही है क्योंकि इन लोगों ने हम पे इल्जाम लगाए, ये लोग हम पे एक महिला की इज्जत नहीं कर सकते ये लोग। अभी डॉक्टर रितु सिंह ने 3-4 दिन पहले लगातार इनको ओपन डिबेट का चैलेंज कर रही है, दोनों प्रत्याशियों को, बीजेपी के संजय टंडन जी को और कांग्रेस के प्रत्याशी को चैलेंज करी कि आप बताओ। मैं वेट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी बात का जवाब दें। मैं चाहती हूँ कि मेरा सोशल मीडिया भी देखते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे बात भी रखते हैं, लेकिन मेरी किसी भी बात का सोशल मीडिया देख के इनको पता चल जाता है कि डॉक्टर इस समय घायल है, डॉक्टर के साथ ये हुआ है, सर फटा है, मनीष जी मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैं यहाँ पे आई हूँ सवाल जानने के लिए, मेरे सवालों के जवाब की चंडीगढ़ की जनता को। मैंने 3 सवाल किए भैया, क्यों संविधान को बचाने की बात करते हो, गरीब जनता का आरक्षण खा रहे हो, संविधान को बचाने की बात करते हो आप, और संविधान को बचाने के लिए आप ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो सारी संविधान के अगेंस्ट है। भैया इनका जो गठबंधन बना है उसका जवाब मुझे दे दो। और मैं तो संजय टंडन जी का इंतजार कर रही हूँ, पिछले 1.5 घंटे से आ जाए तो मुझे मिल जाए, मेरे सवालों के जवाब दे दे। मैंने दोनों को ओपन डिबेट का चैलेंज दिया, और मैं रिस्पेक्टफुली यहाँ पे खड़ी हूँ, अपनी जनता जो मेरे गरीब दलित समाज को आप ठग रहे हो, मुझे सवालों के जवाब दे, रिस्पेक्टफुली खड़ी हूँ, बार बार बता रही हूँ। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऊपर जाके किसी के काम को मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ जैसे मनीष तिवारी जी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, देन मैंने कहा सर आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज, आप मेरे चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, मेरे सवालों के जवाब यहाँ पे मैं इनके भी सवाल के जवाब लेने आई हूँ। मैं चाहती हूँ संजय टंडन जी मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें कि 10 साल में इन्होंने क्या किया, 10 साल तक ठेकेदारी प्रथा कैसे लागू हुई, 10 साल तक गरीब जनता जो कॉलोनियों में बस्तियों में बस्ती है, जिनको मुर्गी खाने जैसे कमरों में जो रह रही है, उनके अधिकारों को क्यों नहीं। चलने दो, 2 मिनट की डिबेट हो जाए, मैं सवालों के कैंडिडेट खड़ा है, सवालों के जवाब चाहे 2 मिनट की डिबेट आपके सामने, शीशा भी नीचे बोलो, इनमें है हिम्मत मेरे सवालों के जवाब दो। तो ये होता है भागना, भागना भागना मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं बहुत छोटी हाँ, इन्होंने मेरे से टिप्पणी की कल दी आई।